हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ प्रोट्रॉनिक्स का हेडसेट। ये मैंने 280 में ख़रीदा है ऑनलाइन। रीज़न इसका है कि कभी कभार ब्लूटूथ की बैटरी डाउन हो जाती है, सो एक स्टैंड बाय पे हमेशा एक वायर ये हेडफोन चाहिए होता है बात करने के लिए, गाने सुनने के लिए। सो ये एक वन ऑफ द ऑप्शन था जिसके रिव्यूज़ अच्छे थे, और मैंने इसे इसलिए ख़रीदा क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो एक आईफोन हेडसेट जैसा है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं यूज़ करने के लिए। तो चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इस तरह के स्मॉल से पैकेट में आता है ये, पैकेजिंग कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट 280 में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सही पैकेजिंग है। चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, बहुत सिंपल सी पैकेजिंग है इसकी। ये एक वारंटी कार्ड बार कोड स्कैनर टाइप आपको मिल जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी स्टोर्ड होगी, फ्रॉम देन आपको वारंटी मिलती है 6 मंथ्स की। इस बॉक्स पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, आई थिंक वारंटी क्लेम के टाइम पे काम आएंगे, आई डोंट नो कोई सर्विस सेंटर ढूंढेगा इसका कि नहीं, बट एक अच्छी बात है। डिज़ाइन देख लेते हैं, जैसा मैंने बोला था ये आईफोन की तरह है। यहाँ पे एक एयर वेंट है और एक ये साउंड आउटपुट वाली साइड है। आपको इसे प्लग इन करते वक्त ध्यान रखना है ये लेफ़्ट साइड का है, तो ये आपका एयर वेंट बैक साइड पे आएगा, और ये राइट साइड वाला आपका हेड है। माइक है इसमें, आप बात कर सकते हैं, कॉल्स ले सकते हैं अपनी। एक बटन है इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल ऑन होने के बाद कट करने के लिए। 3.5 जैक है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। 3.5 जैक के साइड पे थोड़ा मोटा कनेक्टर है, बाकी वायर इसकी नॉर्मल है, ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा मैं। रोप वाला डिज़ाइन, किसी रोप वायर डिज़ाइन अगर किसी हेडसेट में हो तो वो ज़्यादा अच्छी चलती है कंपेयर टू दिस वन। और जैसा कि बात कर सकते हैं आप इसमें, तो आपको आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका, तो मीटिंग्स लेने में, स्काइप कॉल्स में, टीम्स और जूम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको काम आएगा ये। बट इसका माइक का रिसेप्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो नॉइज़ को कैच कर लेता है ईज़िली। अगर रूम में कोई आता है और कुछ बात करता है तो ईज़िली वो साउंड ये वाला माइक कैप्चर कर लेता है, तो इट कैन बी गुड। अगर आप एक साइलेंट रूम में हैं तो आप अच्छे से बात बात कर सकते हैं, बट कीप इट इन माइंड कि ये नॉइज़ कैप्चर कर सकता है कंपेयर टू जो हमारे हेडसेट्स होते हैं जिनका माइक एकदम मुँह के आगे लगा होता है, जिनका प्लेसमेंट वैसा होता है। बाकी ये गुड डील है। तो अब रिव्यू के लिए इसको मैं एक्चुअली बजा के सुना तो नहीं सकता हूँ, बट जस्ट टू कीप इन माइंड ये आपका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, और साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है इसका, बेस अच्छा है इसमें। गुड पार्ट इज़ कि आपको इसको पहनने से लॉन्ग टाइम में भी दर्द नहीं होगा कान में, जो कि जिस वजह से मैंने इसको चूज़ किया था। ये एक वैक्यूम नहीं बनाएगा आपके ईयर में कि आपको थोड़ी देर बाद दर्द होने लगे, तो इसको आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आज कल तो एक अच्छी डील है, आई थिंक 280 में मेरे को जो चाहिए था, ज़्यादा महंगा नहीं, अपना बैकअप एक हेडसेट चाहिए था जिसको मैं यूज़ कर सकूं जब मेरे ब्लूटूथ में बैटरी ना हो, और मेरे को म्यूज़िक भी सुनना हो, थोड़ा साउंड क्वालिटी भी अच्छा चाहिए मुझे, तो ये अच्छा प्रोट्रॉनिक्स का ईयरफोन है। डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक डाल दूँगा, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये आपको ईयरफोन अच्छा लगा साउंड क्वालिटी में, इज़ इट कम्फर्टेबल और नॉट। तो ये था आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।